नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MS News 2019 में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है EPS 95 पेंशनर्स को लेकर, तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों अपडेट की ओर बढ़ते हैं। EPS 95 NSE न्यूज़। हाल ही में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSE की ओर से माननीय श्रम मंत्री जी को एक पत्र लिखा है, जिसके अनुसार विश्वसनीय सूत्रों से NSE को संकेत मिल रहे हैं कि पेंशन धारकों की मांगों को आगामी संसद या बजट सत्र में स्वीकार किया जाएगा। जी हां फ्रेंड्स, माननीय श्रम मंत्री जी को NSE चीफ माननीय कमांडर अशोक राव जी ने फिर से एक पत्र लिखा है, जिसमें EPS 95 पेंशन वृद्धि के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करने हेतु माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन किया है। पत्र की प्रतिलिपि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, संसद सदस्य मथुरा और सभी सम्मानित CBD सदस्य माननीय CPFC को भेजी गई है। जी हाँ फ्रेंड, EPS 95 आगामी बजट में हो सकती है EPS 95 पेंशन में वृद्धि। जी हाँ फ्रेंड्स, पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में NSE प्रतिनिधियों के साथ हुई मीटिंग का उल्लेख किया गया है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि आखिर सरकार यंत्रणा के द्वारा हमें विश्वसनीय सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं कि पेंशन धारकों की मांगों को आगामी सत्र या बजट में स्वीकार किया जाएगा, लेकिन EPS 95 वृद्ध पेंशन धारकों की मृत्यु दर को देखते हुए इस विषय पर राजपत्र अधिसूचना को प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी निवेदन किया जाता है कि इस कार्रवाई से हमारे बुजुर्ग नागरिकों की उनकी मृत्यु के पहले असीम संतुष्टि मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, EPS 95 पेंशनर्स के लिए NSE की मांग। EPFO द्वारा जारी किया गया अंतरिम पत्र दिनांक 31 मई 2017 को रद्द कर कम से कम 7,500 रुपये बेसिक महंगाई पर बता दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वास्तविक वेतन व महंगाई पर पेंशन दी जाए। सभी EPS 95 पेंशन धारकों और उनके परिवार को फ्री मेडिकल सुविधा दी जाए। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें योजना का सदस्य बनाया जाए या 5,000 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाए। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे।